अस्सलाम वालेकुम, मैं हुक्या फहमत बात करता हूँ सुखरे संगे। इस वक्त मैं फाइनली घर से बाहर निकल चुका हूँ। ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे पूरी कहानी, वो कहानी ये है कि 4 बजे से मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ अंदर से कि भैया चल बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, वीडियो बनानी है, आज दिन में वीडियो बनानी है। लेकिन मसला यही हो रहा है कि भाई जो असकत होती है वो जब मैं इंडिया में था अगर वो 50% मेरे अंदर थी तो इस टाइम भैया वो 80% आ चुकी है यहाँ पर आने के बाद, कि हाथ में फ़ोन है, स्लाइड करते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, बस उठने का मन नहीं करता। तो अपने आप को ये तैयार करने में मुझे 4 घंटे लग गए इस टाइम, पाँच घंटे लग गए। 4 बजे से हो रहा था मैं, 5 घंटे लग गए, 9 बज रहा है इस टाइम। और सोचा क्या किया जाए, तो इस टाइम मैं बाहर आया हूँ और चल रहा हूँ कुछ खाने पीने। तो पहले हम चलेंगे कुछ खाएंगे, उसके बाद जाएंगे बाल कटाने। तो क्या खाने वाले हैं वो आपको पता ही चल जाएगा, चलिए चलते हैं। तो भैया इस टाइम हमने फाइनली सोच लिया कि हमें क्या खाना है और करेक्ट मैग्नस वाले के पास तक हम पहुंच चुके हैं। आधा सफ़र हमने तय कर लिया है, करीब 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा हट, वहां से खाएंगे पिज़्ज़ा और बताएंगे वो कितने का है, उसका रेट क्या है वगैरह वगैरह। तो चलिए सीधे वहीं मिलते हैं। भैया हर चीज़ का पैसा लगता है तो इसीलिए रास्ते में ATM दिखा, हमने कहा चलो निकाल लिया जाए। तो जो भी आपने देखा वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे ATM बनाए रहते हैं हर जगह पे, कि कतर में भैया पैसा निकालने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, आप खड़े होंगे नहीं कि पीछे लोग आ जाएंगे। तो जब मैं खड़ा हुआ तो जस्ट पीछे एक बंदा आ गया, तो मैंने कहा छोड़ो उसे भैया, मुझे तो वीडियो बनानी है। तो 50 रियाल हमने निकाल लिए हैं और अब चलते हैं थोड़ा खाते पीते हैं। तो इस टाइम हम बैठे हुए हैं पिज़्ज़ा हट में और टाइम दिया गया मुझे 30 मिनट, तो वेट चालू है। सीन आप देखें, बाकी मैं आपको रेट चार्ज करता रहा हूँ। इस वक्त इंतज़ार चालू है और सामने कुछ लोग आए हैं, झगड़ा कर रहे हैं इन लोगों से, कह रहे हैं भैया तुमने 25 मिनट बोला था, 35 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, क्या कर रहे हो, आपसे कैंसिल करो मेरा ऑर्डर। तो बहस चल रही थी, मैंने कहा हटाओ वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो गाइस फाइनली 30 मिनट के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका था और हमने ऑर्डर ले भी लिया। वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी और इस सिचुएशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि 2 लोग एकदम नाराज़ हो गए थे और वो अपना ऑर्डर कैंसिल करा के चले गए क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था। और यहाँ के लोगों के अंदर सब्र नहीं है, तो सब्र बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्डर हमारे हाथ में है और वहाँ बैठने की सुविधा थी नहीं, तो हम ले लिए और चलते हैं, देखते हैं जहाँ कहाँ बेहतरीन जगह है इसको खाने के लिए। तो फिर तलाश है जगह। यहाँ पर कुछ इस तरह से कतर में पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और लोग रेस्टोरेंट से, मतलब ये लोग कॉल करते हैं तो ये लोग बाहर जाते हैं, वो सामान लेकर आते हैं, इनको देते हैं, सीन कुछ ये होता है, तो जिसकी वजह से बैठने की सुविधा काफ़ी कम होती है। इस वक्त मैं अपनी सबसे ख़ास जगह पर आ चुका हूँ जो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे और वहीं जा रहा हूँ इसे खाने। तो वो जगह आप देखेंगे, आप पहचान जाएंगे अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखे होंगे। तो भैया ये रही वो जगह, सीन कुछ ये आप देख सकते हैं, और ये मैं बैठा। भाई ये कुछ यूँ दिखता है, ये 15 रियाल का है और इसे द बॉस डील भी कहते हैं। पहले उन लोगों ने 27 रियाल काट लिए थे, उसके बाद जब मैंने उनको बताया कि भैया 15 में खाया हूँ तो उन्होंने दिया। और ये पेप्सी के साथ फ्री मिलती है, 4 रियाल की आती है, ये फ्री में है इसके साथ में। तो जो कोई भी ये चाहता है, ये स्पाइसी रहता है तो काफ़ी मज़ेदार मुझे लगता है, चीज़ी पूरा, तो बेहतरीन है ये 15 रियाल में पेप्सी और इसके साथ में। और कुछ इसके साथ मिलता है, इसके साथ सॉस भी है वो लोग देते हैं, टिशू है, तो बेहतर है। फिर
लाजवाब। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें चीज़ होती है और स्पाइसी पूरा टेस्ट है इसका, इसके ऊपर मशरूम वगैरह भी होता है। तंदूरी मेयोनीज, बाकी सीन कुछ ये है। और एक चीज़ मैं भूल गया, जो कि सबसे मेरा फेवरेट है वो है सॉस। सॉस के बिना चीज़ें धोई लगती हैं मुझे, तो हम इसे डालते हैं पहले। मैंने इसे गलत फाड़ दिया उसकी वजह से ये सही से निकल नहीं रहा है। यार जिसका टेस्ट है वो लाजवाब है। और मैं कहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग भी पिज़्ज़ा के शौकीन हैं तो यार एक बार इसे ट्राई करके देखो। उनसे बोलो द बॉस रील चाहिए मुझे, चिकन पिज़्ज़ा स्पाइसी मिल जाएगा। मैंने बिल दिखाई है ना, वही है, ऑर्डर कर देना। एक कोल्ड ड्रिंक और 15 रियाल में पिज़्ज़ा आपको मिलेगा। मज़ा आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खा चुका हूँ और ये ख़त्म कर चुका हूँ पूरा, और मैं इसे यहाँ फेंकने वाला हूँ। बस कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ी सी क्या पूरी बची हुई है, क्योंकि मैं खाते खाते ज़्यादा पी नहीं पाता हूँ, तो इसे हम पीते हैं और उसके बाद हम चलते हैं बाल कटाने, क्योंकि बच चुके हैं तकरीबन 11, काफ़ी लेट हो रहा है। तो बाल कटाते हैं उसके बाद फिर वीडियो कट करेंगे। पहले चलते हैं बाल कटाने, वहाँ पर भी कुछ होगा, बने रहें। इस टाइम हम आ चुके हैं सैलून में बाल कटाने के लिए, और हमारे नाई भी आते होंगे। भाई साहब क्या नाम होंगे, उनको देख सकते हैं, ये केविन पर्सनल केविन। और ये भाई जी आ गए हैं, आप काटेंगे? हाँ, ये तो एकदम ढक लिए, एकदम पहचानता ही बार हो गया। क्या नाम है आपका? नीलू। नीलू नेपाल से? अरे माशाल्लाह। तो बाल कटाने के बाद मिलते हैं, क्योंकि वक्त है कम। मैं बाल कट चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। सब्र या शबाब, सब्र, एक ही वीडियो में सब ले लोगे। इनका इंटरव्यू देखना है तो पिछली वीडियो जाकर देखो, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, पहले वही आई थी। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।